Hello friends, good evening and welcome back to my channel La-Vida by Sameer. So today is the next day of Eid and we are going for a long drive to Al-Ain. Al-Ain mountain pe ja rahe hain doston ke sath masti karne maza karne aur ek hotel hai wahan pe Mercure Grand. So it is on the topmost point of Al-Ain and there is a really good restaurant from which you can get the whole view of Abu Dhabi and Al-Ain. So that's a very good restaurant. Wahan pe ja rahe hain kuch khayenge, drinks piyenge, masti karenge aur doston ke sath khub sari enjoy karenge. एक्चुअली यहाँ से 135 या 140 किलोमीटर दूर है अलैन, तो दो ढाई घंटे की ड्राइव है और रियली स्टीप और हिली ड्राइव है. आप लोग भी जिन नहीं जानते, यूएई नहीं आए हो कभी, यहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी से नहीं वाकिफ हो, यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, दे आर वेरी स्टीप. दे आर स्टीप एज नैनीताल और मनाली, वो मतलब उतने ऊँचाई नहीं है लेकिन क्लाइंब बहुत ही स्टीप है. सो मज़ा आने वाला ड्राइव में एंड आई विल गो एंड शो यू देयर. सो एनी ऑफ यू हु आर ऑलरेडी इन यूएई, हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस, दे कैन गो देयर. Plus, I will show you about how the resort is and what are the room rates and everything. So, I am leaving and I will see you when I reach there. सो फाइनली हम लोग आ गए मर्कुर ग्रैंड. इट्स अ वेरी गुड होटल भाई. व्यू देखो यहाँ पे, सब का चेकआउट करो. एक्चुअली वाटर पार्क है, इतना ज़्यादा यहाँ पे बना नहीं सकते हम लोग वीडियोज़, लेकिन जैसा भी ये मस्त लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है. बस मेरी तो हालत ख़राब हो गई आते आते यहाँ पे.
बस व्यू चेकआउट करो यार, क्या व्यू है। एवरी मनी इज फॉर द व्यू एंड देयर इज स्विमिंग पूल ऑल्सो, बट आई विल नॉट मेक अ वीडियो ऑफ दैट वन। There's our hottie of the group, Miss Isha. Oh, Miss Isha, one dialogue, please. Live. Hmm. ये पूरा नीचे अलेन टाउनर है, इतने अच्छे तरीके से प्लान तरीके से बनाया हुआ है, मस्त तरीके से। लोग सोचते हो कि मेरा ये सीक्रेट फोटोग्राफर कौन है, लेकिन इसको भी रिवील करूँगा मैं कुछ दिनों बाद, इज़ माई सीक्रेट फोटोग्राफर। क्योंकि अभी वो आना नहीं चाहता कैमरे में, इसलिए मैं उसको नहीं ला रहा हूँ। बट बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, जब हम लोग चले थे आई थिंक 46 डिग्री था, यहाँ पे आके 34 या 32 डिग्री ऐसे ही है अभी यहाँ पे टेम्परेचर, जबकि हम लोग पूरे ऊपर। वी बुक अ रेस्टोरेंट वेर वील हैव सम स्नैक्स या डिनर, और अपना ये व्यू इन्जॉय करेंगे सनसेट का। सो आई विल शो यू अलॉन्ग, क्योंकि गाइस थोड़ी एनर्जी कम है क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई हूँ, काफ़ी लंबी ड्राइव थी 3 घंटे की, एंड वी आर 8 पीपल इन वन कार, सो इट वॉज नॉट सो फीसिबल। And everything. Let me show you the view. How fabulous is the view? Just look at this. क्या व्यू आ रहा है भाई, जबरदस्त यार। कभी दुबई में नहीं सोचा था ना कि ऐसा व्यू मिलेगा, हम पहाड़ों के बीच ट्विंकलिंग मस्त। ये भी पिक अच्छा निकालती है भैया, आपका जितना पिक एफबी पे रहता है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द नाइट व्यू ऑफ द होटल गाइस, इतना ब्यूटीफुल है। थोड़ा मैं धीमे से बोल रहा हूँ, काफ़ी गेस्ट हैं यहाँ पे इसलिए उनको डिस्टर्ब ना हो, बट द होटल इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। इतनी अच्छी प्यारा लग रहा है, पेड़ हैं, लालटेन्स हैं, आप देख रहे हो हर जगह, और ज़बरदस्त। अभी दोस्तों के साथ फ़ोटो भी हम लोग खिंचा रहे थे। मतलब अगर आपको एक रात या दो रात के लिए रुकने आना हो तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉस्टली होटल है, लेकिन रेट्स वगैरह मैं आपको पता कर बता दूंगा, सीज़न बाई सीज़न वेरी होता है। और एक हेगन डैज़ का आउटलेट भी, अगर आपको आइसक्रीम खानी हो। इससे शायद पूल है, काफ़ी लोगों की आवाज़ आ रही है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल होटल एंड फॉर इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे वन नाइट इन एलेन एंड टू नाइट्स थ्री नाइट्स वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड द होटल हैज़ जिम, पूल, सोना, इवन अ स्मॉल वाटर पार्क, एवरीथिंग इज़ हैज। The restaurant we are sitting in, it is a family restaurant where you can have a drinks and snacks and everything. ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है रोसम, मतलब कभी रेगिस्तान में आके नहीं सोच सकता आदमी कि उसको ऐसा व्यू मिलेगा। ज़बरदस्त बनाया हुआ है, मस्त एकदम। सामने से फैमिली आ रही तो मैं सोच रहा हूँ इधर कट लूँ थोड़ा। अभी देखिए गली की तरफ जा रहा है, ऐसे छोटी छोटी गलियाँ बनी ना, जैसे लगता है आप पहाड़ों में चल रहे हो। जस्ट गेट द व्यू ऑफ द माउंटेन्स, इट्स सो ब्यूटीफुल। Just like you are in a small village, you don't feel like you're in a hotel, just like a resort. And even though my camera cannot do justice to this beauty, but I'm trying to show you as much as I can. Because hotel mein bahut sare guests hain and unki privacy ko yaar nahi disturb kar sakte, isliye.
आप देखोगे छोटा सा यहाँ पे भी इन्हीं ने वॉकअवे बनाया, वॉकअवे के पास थोड़ा सा रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में लोग बैठ के खा रहे हैं, यार कितना अच्छा लग रहा है। एंड आई विल शो यू द न्यू व्यू ऑफ द अलैन टाउन एंड दिस इज मी। खा पी के एकदम मस्त हो गए और अभी एक घंटे तक हम लोग की और टेबल बुकिंग है, तो एक घंटे तक और इन्जॉय कर सकते रिजॉर्ट में। आफ्टर दैट आई विल शो यू द On the way down, when we go roundabouts, I'll show you how beautiful the road is, how beautiful the lightning is, and how long it takes from here to travel from back here to Dubai. We took 2.5 hours to come, but on the way we had to pick some friends. So exact distance I cannot tell you, but now we'll go straight to Dubai. So I'll tell you the exact distance. You see the beautiful pool here, lightning, beautiful. Just see the view. फेंसिंग है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ना डियर आ जाता है। अभी हम लोगों ने भी देखा एक डियर था। और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो पूल है, पूल और पीछे रेस्टोरेंट। बाकी होटल में हम लोग गेस्ट नहीं है तो आप भी अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट ट्रस्ट मी गाइस इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब जैसा प्लेन छोड़ते हैं ना आपको दिखता ऊपर से, तो भाई सेम सेम वैसी दिख रहा है। एंड इन दिस फोटो यू कैन जस्ट सी हाउ एवरीथिंग इज प्लान्ड, कितनी अच्छे से एक सिमेट्री से लाइट चल रही है, रोड्स की लाइट चल रही है, ज़बरदस्त है। I'll try to zoom in and show you. ये पूरा अलैन टाउन नहीं है, थोड़ा अबू धाबी का व्यू भी दिख रहा है, लेकिन है मस्त है भाई, ज़बरदस्त। मैं इस होटल में पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि पक्का ठहरने आऊँगा। अभी थोड़ा और अच्छा मौसम होगा ना नवंबर दिसंबर में, सो बहुत ही प्यारा व्यू होगा यहाँ पे। आप देखो यार कितना ब्यूटीफुल होटल है, होटल ग्रैंड मर्क्यूर अलैन। काफ़ी टाइम पहले मेरे कज़न लोग आए थे, बट दे टोल्ड मी दैट हाउ गुड दिस प्लेस इज़, बट यार अबू धाबी चले गए अपने समर्स के ब्रेक में, कहीं और भी चले गए, लेकिन यहाँ जगह कभी ध्यान ही नहीं है अलैन पे। एक्चुअली आना भी क्योंकि यार हम लोग के पास कार नहीं, सो लिटिल बिट ट्रांसपोर्ट इज़ डिफिकल्ट इन दिस एरिया टू फाइंड, सो दैट्स व्हाई मे बी आई डिड नॉट कम टू दिस प्लेस और टू एक्सप्लोर दिस, बट दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट दिस होल प्लेस। ये इन्होंने सामने कुछ वो बना रखा है ना गुंबद टाइप का, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन वहाँ तक भी रास्ता है, तो लोग जाके वहाँ भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। मैं देखता हूँ कि रास्ता कहाँ से है, तो अभी हम लोग होटल गेस्ट नहीं है, खाली रेस्टोरेंट बुकिंग कराई, तो शायद उसका एक्सेस ना हो हमारे पास। तो जूम करके आपको दो दिखा दिखाता हूँ, ब्यूटीफुल। कूपन या कूपन है इस पर आप चेक कर सकते हो, तवा चल भी एक नया साइट है उस पर आप चेक कर सकते हो यार, ठीक है। लेकिन मतलब डेफिनेटली यार वर्थ इट है, अगर आपको 1100 में लेना तो वर्थ इट है, आप जरूर आओ यहाँ पर। बस अभी बहुत हवा चल रही है, वापस आना पड़ेगा, फ्रेंड लोग इंतजार कर रहे हैं यार। शो यू अराउंड द वे गोइंग बैक स्पॉट टू द, बैक आ गए हैं हम लोग वहाँ से अलैन से। और आपने जैसा वीडियो में देखा होगा, आपको कैसा लगा वीडियो, बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कमेंट्स सेक्शन में भी आप फिल करें अपने कमेंट्स, प्लीज़ बोलें। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब, स्पेशली जो हमारे ब्रदर्स हैं लखनऊ में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस सो दैट वी कैन मेक बेटर वीडियोज़ एंड कीप मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू इन द फ्यूचर। शॉर्ट ट्रिप थी, थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम थी, अभी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, तो साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोगों को आती होगी, इसलिए मैं नीचे सबटाइटल्स डाल दूंगा। प्लस आप हमारा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, मैं हर बार कहता हूँ शेयर करो, कुछ कमेंट करो, तो इससे हमें पता चलेगा कि व्हाट वी हैव डन रॉन्ग एंड व्हाट वी हैव डन राइट। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, एंड होप यू इन्जॉय दैट पार्ट ऑफ लाइफ एंड सम ऑफ माई वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन दैट शेयर विद यू आर यूजफुल टू यू एंड इट्स गुड फॉर द फ्यूचर। सो बहुत थक गए हैं यार, रात के हम लोग करीबन 3 बज गया है, तो अब बस सोने जाएंगे क्योंकि कल से हमारा वर्किंग डे शुरू है। तो अभी इस नोट पे मैं साइन ऑफ करता हूँ, आई होप यू लाइक द वीडियो, दिस इज समीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम लाविदा बाय समीर।
गुड बाय, खुदा हाफिज़।